रात करीब 10:15 बजे मौसम में आए बदलाव ने तहलका मचा दिया है। ट्राई सिटी में तूफान जैसी तेजी हवाएं चली, हवाओं की गति इतनी तेज थी कि कई बिजली के खंभे और पेड़ जल कर उखड़ गए। पानी की टंकियां भी उखड़ गई, दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड और टीन उखड़ गए और दूर दराज गिर गई। पूरी ट्राई सिटी में करीब 1 घंटे तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान तेज बारिश भी दर्ज की गई। बारिश और तेज आंधी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। रात 11:30 बजे तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। करीब 15 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों के मुताबिक हवा की गति करीब 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी रविवार को ही पता चल पाएगी। एक घंटे में करीब 30 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। करीब 11 बजे ये तूफान थमा और मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि तूफान पंजाब की ओर से आया था, जो चंडीगढ़ के रास्ते पंचकूला की ओर गुजर गया। मौसम विभाग की ओर से इस तूफान के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं था। मौसम विभाग का दावा है कि मौसम में ये परिवर्तन अचानक से होता है। इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। प्राथमिक तौर पर नमी वाली हवाएं दक्षिणी पूर्वी दिशा से आ रही थी, इससे कम वायुदाब का क्षेत्र बना और साथ में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर था। इस सारे मौसमी सिस्टम की वजह से अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड हुई। आंधी और बारिश के बाद पूरी ट्राई सिटी की बिजली गुल हो गई थी। मौसम सामान्य होने के बाद कुछ जगहों पर बिजली आ गई थी, लेकिन जिन जगहों के खंभे और ट्रांसफार्मर उखड़ गए थे वहां देर तक बिजली नहीं आई थी। मौसम सुधरने के बाद बिजली विभाग की टीम मरम्मत के लिए निकल गई थी और देर रात बाधित बिजली को सुधारने का काम भी जारी रहा था। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।